सोराव पुलिस एवं क्राइम ब्रांच टीम से बदमाश की हुई मुठभेड़। अभी अभी थाना सोराव पुलिस एवं क्राइम ब्रांच टीम के साथ बदमाश की हुई मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश के पैर में लगी गोली। सोराव थाना क्षेत्र के सराय दीना मोड़ पर पुलिया के पास प्रभारी निरीक्षक आशुतोष तिवारी, कांस्टेबल जयप्रकाश, चालक कांस्टेबल महेश यादव, मैप फोर्स मनोज कुमार सिंह, प्रभारी क्राइम ब्रांच गंगा पार प्रयागराज, हेड कांस्टेबल इंद्र प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र प्रधान, कांस्टेबल अभय कांस्टेबल विनोद दुबे, कांस्टेबल याकूब अहमद, मै फोर्स की जसीमुद्दीन उर्फ मुन्ना कालिया पुत्र वसीम उद्दीन निवासी मोहम्मदपुर नागवा थाना सोराव मुठभेड़ में घायल, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। SP गंगापार धवल कुमार जायसवाल मौके पर मौजूद, आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। जसीमुद्दीन के ऊपर प्रयागराज जनपद तथा फतेहपुर जनपद में कुल मिलाकर 9 मुकदमे दर्ज हैं, जो मुन्ना कालिया के नाम से जाना जाता था। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए पप्पू सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट। आज थाना सुराव क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि यहां पर एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति जसीमुद्दीन उर्फ मुन्ना कालिया देखा गया है, जो किसी घटना को कारित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में टहल रहा है। पुलिस द्वारा इसी मामले को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें सरायदीना मार्ग पर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को रोका गया संदिग्ध परिस्थितियों में, जिसमें पुलिस टीम पर इस व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। जवाबी पुलिस टीम की फायरिंग पे इस व्यक्ति को पैर में गोली लगी है, इसको आगे हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। इसकी पहचान जसीमुद्दीन उर्फ मुन्ना कालिया के रूप में हुई है, जिसके ऊपर फतेहपुर जनपद और प्रयागराज जनपद में करीब 9 मुकदमे हैं, और ये सोराव थाना क्षेत्र से लूट और गौवध निवारण अधिनियम में वांछित भी है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाए।